हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल मेगा फैक्ट। तो फाइनली प्रोड्यूसर ऑफ पद्मावती ने डिसाइड किया है कि वो मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं। ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होनी थी और नई डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर और जो प्रोड्यूसर है संजय लीला बंसाली, इन्होंने कहा है कि पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि हम वॉलेंट्री रिलीज करना चाहते हैं इस मूवी को। पर मैं बताता हूँ विवाद क्या है। इन्हें मजबूरन पोस्टपोन करना पड़ा है क्योंकि CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसके सर्टिफिकेट के बिना कोई मूवी रिलीज ही नहीं हो सकती इंडिया में। मैं बताता हूँ विवाद क्या है। एक्चुअली राजपूत कर्णी सेना यानी राजपूतों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें ऐसा लगता है कि इस मूवी में डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री हुई है, यानी इतिहास से कुछ छेड़छाड़ की गई है, इनका दावा है ऐसा। पर इन्होंने मूवी देखी ही नहीं है। तो अभी का सूरत हाल ये है कि MP गवर्नमेंट ने पद्मावती को बैन कर दिया है, इसे UP में भी बैन कर दिया गया है और राजस्थान में तो बहुत पहले से ही बैन थी, और लेटेस्टली अभी पता चला है कि गुजरात में भी ये बैन हो चुकी है। आप जानते होंगे संजय लीला बंसाली इससे पहले भी उनकी बाजीराव मस्तानी भी थोड़ी मुश्किल में रिलीज हुई थी, और इससे पहले भी रामलीला मेजर कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ चुकी है। इस फिल्म का रामलीला से नाम चेंज करके गोरियों की रासलीला रखा गया था। खैर जो भी हो, पब्लिक ने बहुत पसंद किया इन दोनों पिक्चर को। अब हम बात करते हैं नुकसान की। वाईकॉम मोशन 18 और बंसाली साहब का ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि पूरे इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रमोशन में 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे और काफ़ी प्रमोट करने में पैसा लगा, और अब तो पोस्टपोन हो चुका है। जब रिलीज होगी फिर प्रमोशन से पैसा लगेगा, फिर प्रमोशन करना होगा, और काफ़ी पैसा अभी बर्बाद हो चुका है। जो मोमेंटम बना हुआ था इस मूवी का, अभी तक जो भी मोमेंटम बना हुआ था, अगर अभी रिलीज होती तो 200 करोड़ से कम इस मूवी को कमाना ही नहीं था। पर अब जब रिलीज होगी, जब डेट आएगी, फिर से प्रमोशन में पैसा लगेगा, फिर से आपको पूरा प्रमोशन में झोंकना पड़ेगा अपने आप को, फिर से आपको हर शो में जाके प्रमोट करना होगा। इस नुकसान को वाईकॉम मोशन 18 और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली ही पूरा बियर कर रहे हैं। खैर ये पिक्चर जब आएगी तब आएगी, इलेक्शन के बाद ही आएगी। और फिलहाल जो खबर है ये भी है कि ब्रिटेन में सेंसर बोर्ड ने बिना कट के इस मूवी को पास कर दिया है, और हो सकता है कि 1 दिसंबर को ये ब्रिटेन में और भी बाकी देशों में रिलीज हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। बता दें कि सारे मल्टीप्लेक्स इस मूवी को रिलीज करने वाले थे 1 दिसंबर को, पर 1 दिसंबर को किसी भी मल्टीप्लेक्स के पास प्रोजेक्शन है ही नहीं। वैसे टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर को आ रही है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस मूवी की होगी कि ये कलेक्शन करके अपने इंडस्ट्री को दे। जब भी ये मूवी आएगी, इस मूवी को आने में 68 डेज लग जाएंगे। 68 डेज के बाद ही ये मूवी आएगी। फिलहाल फिरंगी भी जो आने वाली थी इस फ्राइडे, वो भी पोस्टपोन हो गई है, 1 दिसंबर को ये रिलीज हो रही है। इस मूवी को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन है कब रिलीज होगी। ऐसे में पायरेसी का भी सवाल है, कहीं से डबिंग हो गई या कोई यूट्यूब पे लीक हो जाने का भी पूरी तरीके से डर है इस मूवी को। बंसाली साहब ये नहीं चाहेंगे कि ये मूवी ब्रिटेन में रिलीज़ हो, क्योंकि ब्रिटेन में रिलीज़ होगी तो वहाँ से डब्ड वर्जन या पायरेसी का भी इनको ख्याल रखना होगा, तो ये शायद रोक दें, ब्रिटेन में शायद रिलीज ना हो। पर वहाँ के सेंसर बोर्ड ने अभी पास कर दिया है, और अगर इन्होंने नहीं रोका तो 1 तारीख को ये मूवी जरूर चलेगी ब्रिटेन में। सेंसर बोर्ड का कहना है कि 2 चैनल हेड को भंसाली साहब ने पिक्चर दिखाई है इंस्पाइट ऑफ CBFC। पहला हक जो होता है वो CBFC का होता है कोई भी मूवी देखने का। अरे भैया, इनकी पिक्चर है, ये जिसको चाहे उसको दिखाएं, तो CBFC को क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस बात से सब कोई नाराज है, पूरी इंडस्ट्री एक्चुअली अलग अलग जवाब दे रही है। यूनिटी किसी भी इंडस्ट्री में दिख नहीं रही है। इस तरह तो आने वाली मूवी भी बड़ी मुश्किल से ही रिलीज हो पाएगी अगर यही सूरत हाल रहा तो। कड़ी सेना जो है, इनका ये भी कहना है कि अगर ये बंसाली साहब अपनी मूवी कुछ इतिहासकारों के साथ मिल करके और इनकी सेना के कुछ प्रमुख लोगों को अगर ये मूवी दिखा लेते हैं, तो ये अगर इनको लगेगा कि हाँ ये मूवी ठीक है, तो ही ये इस मूवी को चलने देंगे। आप अपनी राय कमेंट में बताएं कि क्या इनको ऐसा करना चाहिए। अगर इस तरीके से बंसाली साहब ने इनको मूवी दिखाई, तो आने वाले हर डायरेक्टर को ऐसा ही करना होगा, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं करना चाहेगा। सो गाइज,
आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं क्या सही है क्या गलत है, क्या पद्मावती को ब्रिटेन में रिलीज़ होना चाहिए, क्या बैन जो लगा है इंडिया में वो सही है या गलत है। धन्यवाद। एक मैं